रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती या हम रजिया सुल्तान की बात करें, इन वीरांगनाओं के शौर्य और वीरता की कहानी इतिहास में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक वीरांगना है बहादुर कलारिन, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ अंचल से माना जाता है, जहां छत्तीसगढ़ अंचल के अंदर इन्हें देवी के रूप में पूजा भी जाता है। मैं छत्तीसगढ़ हूँ इसके अंदर आज हम जानेंगे बहादुर कलारिन की गाथा। बहादुर कलारिन बाई जी का नाम आज छत्तीसगढ़ में एक देवी की तरह लिया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ कलार समाज के पौराणिक हिस्सा तो है ही, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी उनके प्रचलित किस्से लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में बहादुर कलारिन की गाथा शौर्य और साहस का पाठ पढ़ाती है। आज विभिन्न मंचों के माध्यम से इस वीरांगना के साहस और त्याग की अभिव्यक्ति जनमानस में व्याप्त है। नारी जाति पर हुए अत्याचार के लिए इस कलार जाति की महिला बहादुर कलारिन ने जिस साहस और त्याग का परिचय दिया था, आज की गाथाओं में सुनने को मिलती है। प्रस्तुत गाथा बहादुर कलारिन दुर्ग जिले के गुरुर से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित सोरर गांव की है, जिसका प्राचीन नाम सरागढ़ था। इसका एक नाम बुजुर्गों के अनुसार सोरर भी है। यहाँ प्राप्त शिलालेख और प्राचीन मंदिर तथा अन्य अवशेष बरबस कलचुरी शासन की याद ताजा करते हैं। सामग्रियों से ज्ञात होता है कि बहादुर कलारिन की स्मृतियां सोरर सहगढ़ के साथ जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले से 26 किलोमीटर दूर चिरचारी गांव में उनकी स्मारक और मंदिर स्थित है, जो बहादुर कलारिन की माची के नाम से जानी जाती है, जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संरक्षित है। तो आइए जानते हैं बहादुर कलारिन की उस गाथा के बारे में, जिसकी वजह से ये देवी और छत्तीसगढ़ की वीरांगनाओं में अपना स्थान बनाती है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन खत्म हो रही थी। कई गांव के लोग अपने रहने खाने की व्यवस्था के साथ अपनी जगह बदलने पर मजबूर थे। उन्हीं में से एक थे गौटिया सूबेलाल कलार, जिनकी मदिरा की दुकान थी। हालांकि राजाओं के शेष काल अब भी बचे हुए थे, सूबेलाल गौटिया की बनाई शराब दूर दूर से लोग पीने के लिए और लेने के लिए आते थे। सूबेलाल के छोटे भाई की बेटी थी कलावती, उनके पास मात्र परिवार के नाम पर वही थी और कलावती के पास चाचा सूबेलाल को छोड़कर कोई भी नहीं था। सूबेलाल के साथ मदिरा दुकान में कलावती सहयोग करते हुए बड़ी होने लगी। यौवन में जब उसने कदम रखा तो कलावती पर कई मनचलों की नजर रहने लगी। कलावती इनसे दो हाथ करने में कभी नहीं घबराती थी। जवाब देना और अपनी आबरू के समक्ष अड़े रहना तो जैसे उसे बखूबी आता था। कलावती को सूबेलाल ने खेल खिलौने से दूर रखते हुए लाठी कटार और तलवार चलाना सिखाया। कलावती को सूबेलाल सौंदर्य के अलावा वह शौर्य कला में भी पारंगत करना चाहते थे। उसकी आंखें मृगनयनी के समान थी, क्रोध में चेहरा चंडी के समान हो जाता था। एक झलक पाने के लिए कई राजा और राजकुमार वेश बदल कर शराब खरीदने सूबेलाल की दुकान में आया करते थे, लेकिन कलावती के स्वाभिमान व्यवहार से वे वापस लौट जाते थे। सूबेलाल की मृत्यु के बाद मदिरा की दुकान चलाने की जिम्मेदारी कलावती पर आ गई और इसी समय कलावती के पास बहुत सारे राजाओं के प्रेम प्रस्ताव आने लगे। एक बार रतनपुर के कलचूरी राजा शिकार करते समय सरहरगढ़ के बीहड़ जंगल में आए। उस समय शिकार के लिए शिकारी अपने साथ एक बाज पक्षी रखा करते थे और बाज की दिशा में ही शिकार तलाशते हुए आगे की ओर बढ़ते थे। वैसे ही वह राजा उस शिकार करने के लिए बाज के पीछे आगे बढ़ता गया। जंगल इतना घना था कि राजा को बाज दिखाई नहीं दिया और एक तरह से वो दिशा भ्रमित हो गए। सैनिक पीछे रह गए। सूर्यास्त का समय था। जंगल की घनी छाया के कारण अंधकार गहराने लगा था। रास्ते भी लुप्त प्राय हो गए थे। जंगल में राजा को आश्रय की तलाश थी। तभी घने जंगल में कुछ दूरी पर एक टिमटिमाती हुई मशाल दिखाई दी। राजा ने थके हारे पांव उस दिशा की ओर बढ़ाया। घने जंगलों के बीच एक कुटिया थी, जहां कलारिन जाति की अति सुंदर युवती अपनी वृद्ध माँ के साथ निवास करती थी। युवती प्रतिदिन मचौली में बैठकर जीविका उपार्जन के लिए शराब बेचती थी। उन दोनों के भरण पोषण का वही एकमात्र साधन था। गांव के बाहर खुले मैदान में स्थित पत्थरों की नक्काशीदार विशाल मचौली अतीत के साक्षी के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। कुटिया पहुंचकर राजा ने अपना परिचय दिया और अन्य साथियों से अपने बिछड़ जाने की आपबीती को सुनाई। रात्रि भर विश्राम करने के लिए उसने युवती से जगह मांगी। राजा को आश्रय मिला। राजा युवती के रूप सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा
अपना होशो हवास खो बैठा और युवती को पाने की लालसा ने उसने उसकी वृद्ध माँ के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। कलावती भी उस राजा के अथाह प्रेम में पड़ गई। इसके बाद गंधर्व विवाह के साथ राजा और युवती दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। एक सुबह राजा को अपने राज्य और परिवार की याद आई। राजपाट की मुश्किलें बताकर और पुनः वापस आने का बहाना बनाकर राजा वहां से चला गया और फिर लौट कर कभी सरहरगढ़ नहीं आया। कुछ महीनों के पश्चात युवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा की याद में बालक का नाम छछान छाड़ू रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाज को छोड़ दिया। बाल्यकाल से छछान छाड़ू अन्य बालकों से भिन्न था। जिज्ञासावश कभी कभी सोचता था कि आखिर उनके पिता कौन है, कहाँ है, लेकिन माँ से पूछने का साहस नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वह किशोरावस्था की सीमा को भी लांघने लगा। पिता को लेकर मित्र उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। इसी बात पर हम उम्र साथी से उसका झगड़ा हो गया। छछान बहुत दुखी हुआ और ठान लिया कि घर जाकर माँ से सारी बातों को पूछ कर ही रहेगा। उसने माँ के आगे प्रश्नों की जैसे बौछार लगा दी। उसके तेवर देख विवश माँ ने अपनी सारी बातें सिलसिलेवार उसे बताया। माँ पर हुए अत्याचार को सुनकर छछान क्रोधाग्नि में जलने लगा और अपने पिता से तथा समस्त राज परिवार से उनके मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। प्रतिशोध की अग्नि में वह जलने लगा और विद्रोह मन की तरह तरह की योजनाएं वो बनाने लगा। बलिष्ठ और ताकतवर तो था ही, बुद्धि भी उसकी तेज थी। योजनाबद्ध तरीके से हम उम्र युवाओं की उसने एक टोली बनाई। कलाबाजी और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण के द्वारा उसने एक सशक्त फौज भी तैयार कर ली। दिन रात केवल एक ही बात सोचता कि माँ पर हुए अत्याचार का बदला कैसे लिया जाए। छछान छाड़ू ने सुनियोजित ढंग से अपनी फौज के साथ छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य से 147 राजकुमारियों का अपहरण किया। सरहरगढ़ में उन्हें बंदी बनाकर रखा। उन्हें क्रूर यातनाएं दी गई, 147 ओखलियां बनाई गई और राजकुमारियों को धान कूटने की आज्ञा दी गई। गांव में आज भी 7 आगर 7 कोरी अर्थात 147 ओखलियां अवशेष है। इस इलाके से 7 आगर 7 कोरी की लोकोक्तियां भी प्रचलन में सुनने को मिलती है। छछान छाड़ू के आदेश पर राजकुमारियां महीनों तक अनाज कूटती रहीं। राजकुमारियों पर छछान छाड़ू का कठोर जुल्म माँ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी नजरों में यह नारी जाति का अपमान था। निरपराध राजकुमारियों को जुल्म से मुक्त कराने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, लेकिन छछान छाड़ू ने उनकी एक न सुनी और यातनाओं का क्रम यूं ही चलता रहा। अंततः बहादुर कलारिन ने अपने ही बेटे के लिए ऐसा कार्य किया जो सामान्य तौर पर एक माँ के लिए असंभव था। धूर का त्योहार था, यानी कि होली। संपूर्ण गांव गुलालमय हो गया, नगाड़ों की थाप से गांव गूंज रहा था। उस दिन घर में छछान छाड़ू के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। छछान रंग गुलाल से सराबोर और मदिरा में मदहोश होकर घर पहुंचा। भूखा तो था ही, घर में तरह तरह के पकवान देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। भोजन करने के बाद उसने अपने माँ से पानी मांगा, लेकिन घर में पानी का एक बूंद भी ना था। सुनियोजित ढंग से घर के नौकरों को भी छुट्टी दे दी गई थी। पास पड़ोस के घरों के दरवाजे भी बंद थे। मिठाई खाने से छछान छाड़ू की प्यास और अधिक बढ़ने लगी। माँ उसे पानी पिलाने के लिए बावली के पास ले गई। छछान जैसे ही बावली में पानी निकालने के लिए झुका, माँ ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और बावली में गिराकर मार डाला। उसकी मृत्यु के पश्चात बंदी राजकुमारियों को छोड़ दिया गया और उनके प्रति हो रहे यातनाओं का क्रम यहीं से समाप्त हो गया। लेकिन पुत्र मोह में वशीभूत माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पुत्र वियोग में बहादुर कलारिन ने एक धारदार कटारी से अपनी ही यह लीला को समाप्त कर लिया। नारी अत्याचार के विरुद्ध किसी महिला द्वारा अपने बेटे की बलिदान की यह गाथा अपने आप में बेजोड़ और बेमिसाल है। जनमानस के बीच कलारिन के इस साहसिक कार्य ने उसे बहादुर कलारिन का नाम दिया, जिसकी गाथा संपूर्ण इलाके में मुंह जबानी आज भी सुनने को मिलती है। कटार लिए वीरांगना की मूर्ति ग्राम सोरर के प्रांगण में आज भी स्थित है। जिस बावली में छछान छाड़ू की मृत्यु हुई थी, कालांतर में कहा जाता है वहां एक विचित्र प्रकार का वृक्ष उगा।
कहते हैं उस वृक्ष में प्रतिदिन 7 रंग के फूल खिला करते थे। आज से 3-4 दशक पहले इस सत्य को वहां के लोगों ने भी देखा है, जो आज भी सुनने को मिलती है। छछान छाड़ू ने परिस्थिति वश अपहृत राजकुमारियों की बदनीयती का शिकार बनाया, शारीरिक और मानसिक यातनाएं उनको दी। इसे नैसर्गिक नीति की परिणति मानकर आसपास के ग्रामवासी आज भी माँ बेटे की स्मृति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि छछान छाड़ू की पुण्य स्मृति को आदर करते हुए गांव सोरर में आज भी धूर का त्योहार खेला नहीं जाता, यानी यहां आज भी होली खेली नहीं जाती है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बहादुर कलारीन की गाथा आपको कैसी लगी? छत्तीसगढ़ के अनसुने गाथाओं और कथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आने वाली कड़ी में मैं ऐसे ही कुछ अनसुनी कथाओं और गाथाओं के घटनाक्रम को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।